सर, कमाल ने जान अजाम में डाल रखी हुई है। वहां से बार बार फोन करके बड़े होटल में रहने की फरमाइश करता रहा और तो और गाड़ी भी मांगता रहा। सर, इस तरह दूसरों पर बुरा असर पड़ रहा है, कल को वो भी नए मुतालबात कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर कबीर, मैं देख लूंगा, आप जा सकते हैं। क्या हाल है? क्या हुआ? आप अपनी जॉब असाइनमेंट क्यों छोड़कर आए? ओ यार, वो बहुत गर्मी थी यार और डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे, बड़ा बुरा हाल था बॉस। ये आपने अच्छा नहीं किया कमाल। पता है यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है आपको मैंने रखवाया था। तो हो गया ना जो होना था? बिल्कुल नहीं, आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा, आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा जिसका आपको रिटर्न में जवाब देना होगा, समझे? जी। अब काइंडली आप जाएं, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये लो। ये क्या है? शो कॉज नोटिस। तो मैं क्या करूं? इसका जवाब लिखना है एक दिन में। लिख तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो तुम लिख दो। और वजह क्या लिखनी है ना जाने की? डिहाइड्रेशन। तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना? देखो यार, कैसे फंसवाया तैमूर ने मुझे, मरवा दिया बिल्कुल उसने मुझे। देखो कमाल, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये घर में चल जाता है, ऑफिस में नहीं। एटीट्यूड का तो मुझे पता है मैडम, तुम्हारे होने वाले बहनों ही ने ना अभी से अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। वो भी किसी को जवाब दे यार। जाहिर है तुम तो उसी की साइड लोगी ना, उसने मुझे ऑफिस में आज इतना जलील किया है कि तुम्हारी सोच है। शुगर को तीसरा बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। कमाल, कभी कभी बॉस डांट भी देते हैं, दैट्स फाइन। और इसका जवाब मैं सुबह तक लिख दूंगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट? वो तो डॉक्टर ही बना के देगा ना, उसी को पता होगा ये सब। हाँ सही है, चलो फिर अभी चलते हैं, इसी बहाने तुम्हारे मायके भी होते हुए आएंगे। हाँ चलो, रेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।